आज की इस वीडियो में मैं आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कुछ ऐसी स्टोरी बताऊंगा। अगर वो स्टोरी शो में आ जाती है ना, तो जो शो देख रहे हैं उन्हें तो मजा आएगा ही सरी, लेकिन जिन्होंने शो देखना बंद कर दिया है वो भी शो देखने लग जाएंगे। तो मैं आज आपको दो ऐसी स्टोरी बताऊंगा कि जो शो में आनी चाहिए, जिसे मैं फैंसों को मजा भी आएगा और शो को टीआरपी भी मिलेगी। तो ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हो, मैं आपको बताता हूँ कौन सी स्टोरी। सबसे पहली जो स्टोरी है वो है अय्यर बबीता और मेहता साहब और अंजलि भाभी का बेबी। तो दोस्तों, हमें शो में हर शुरू से ही बताया गया है अय्यर बबीता जी और मेहता साहब और अंजलि भाभी का बच्चा नहीं है, बाकी सबका ही बच्चा है। अगर शो के मेकर कुछ ऐसी स्टोरी लाते हैं जिसे हमें इन दोनों का या कोई बेबी देखने को मिले, जिससे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मिलेगी और हमें देखने में भी मजा आएगा। दोस्तों, दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो है टप्पू और सोनू की। जैसा कि हमें पता है कि शो के मेकर पोपट लाल की शादी करवाने से तो नहीं रहे, वो उसकी शादी तो नहीं करवाएंगे, लेकिन अगर शो के मेकर टप्पू या फिर सोनू की कुछ ऐसी स्टोरी बनाते हैं जिसमें उन्हें रिलेशनशिप में बताया जाता है या फिर उनकी शादी करवा दे, मतलब कुछ ऐसा करवाते हैं, मतलब ऐसी स्टोरी लाते हैं, तो जो कि मतलब मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि टीआरपी शो की खतरनाक ही पहुँचेगी, क्योंकि जब भी शो के मेकर ऐसी स्टोरी लाते हैं तो उनकी टीआरपी मिलती ही है। तो शो के मेकरों को ऐसी स्टोरी जो है शो में लानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये ऐसी स्टोरी जो है शो के मेकरों को लानी चाहिए या फिर नहीं, नीचे कमेंट में बताना। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम आपके लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा से रिलेटेड वीडियो लाते ही रहते हैं। धन्यवाद।